मेरा सादर प्रणाम। फिर से एक बार हम आपको भोले सर मंदिर के दर्शन कराएंगे। ये देखो मेरे पति, मेरे पति ने दाढ़ी और मूछें रखी है, तो जब श्रावण ख़त्म होगा उसके बाद ये कटिंग करेंगे दाढ़ी और मूछों की। तो हमारे यहाँ रीति है ये भी, श्रावण के महीने दाढ़ी और बालों की कटिंग नहीं करते। ये देखो आज लास्ट सोमवार के दिन भक्तजनों की बहुत भीड़ है और वैसे बहुत तेज़ धूप हो रही है आज। तो आज लास्ट सोमवार है, आज 16 तारीख है और श्रावण महीने का लास्ट सोमवार है आज। तो आज बहुत ही कुछ ज़्यादा ही भीड़ भक्त जनों की देखने को मिलेगी। तो यहाँ भोलेश्वर मंदिर में आज बहुत ही ज़्यादा भीड़। तो आज के दिन का व्यू देखिए, बिल्कुल धूप तेज़ हो रही और गर्मी भी लग रही है। उस दिन हल्की बारिश थी, अच्छा लग रहा था। आज मौसम बहुत गर्म बोल सकते हैं, तो धूप तेज है। यमु कटिंग कर लवा। तो ये देखिए भक्तजन मंदिर से जा रहे, कुछ आ रहे कुछ जा रहे। ये देखो तो बिल्कुल मौसम क्लीन और बहुत ही तेज़ धूप। ये पहाड़ों, तो ये पूरा उखीमठ गाँव है ये, और ये मंदिर के लिए ये कच्ची रोड। तो ये मंदिर आ गया मेरे ठीक पीछे, तो हम मंदिर पहुंचने वाले हैं। तो दूर से भोलेश्वर मंदिर का व्यू ऐसा दिखता है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। ये देखो घंटी की आवाज़ यहाँ तक आ रही, अच्छा लग रहा, कानों को संतुष्टि मिल रही घंटी की आवाज़ सुनकर। तो ये भोलेश्वर मंदिर, तो जय भोलेनाथ, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। मेरी भोलेनाथ से यही मनोकामना है कि आप सब लोगों की मनोकामना पूरी हो और साथ ही मेरी भी। बिल्कुल हरे भरे सीढ़ीनुमा खेतों में भोलेनाथ का मंदिर स्थित है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा व्यू देखें। और यहाँ तक आ गए और धूप तेज है, लेकिन धूप के साथ साथ ठंडी ठंडी हवा ये चढ़ रही, अच्छा लग रहा। तो धूप का इतना तेज़ धूप का इतना असर नहीं हो रहा, बिल्कुल पहाड़ों की ये बांजबुरासों के पेड़ों की ठंडी ठंडी हवाएँ आ रही। और ये रास्ता, मंदिर है।
तो उतार। कीर्तन करते हुए ये